महाराजा अपना थिएट्रिकल रन पूरा करके रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है एंड आई मस्ट से कि एक तो इस मूवी की स्टोरी टेलिंग इतनी बेहतरीन है कि एक भी सेकंड आपकी नज़र स्क्रीन से नहीं हटेगी और दूसरा आप इमोशनली कुछ ज़्यादा ही इस मूवी से कनेक्ट करोगे। मूवी इज फिल्ड विद हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स और सस्पेंस तो मूवी के कोने कोने में है, ताप देनी पड़ेगी इसकी राइटिंग और डायरेक्शन की। ये मूवी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कर्मा की कि जो जैसा बीज बोएगा वो वैसा ही पाएगा और विजय सेतुपति एज महाराजा इज एब्सोल्यूट बीस्ट एंड ब्रूटल। महाराजा की कहानी एक ऑर्डिनरी पोजेसिव बाप के बारे में है जो हर मुश्किल का सामना करके अपनी बेटी की हर वो इच्छा पूरी करना चाहता है जो भी वो उससे मांगती है, और वो भी एक ऐसा इंसान है जो कभी भी हार नहीं मानता, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपनी बेटी को सबसे अच्छी जिंदगी देना चाहता है। और एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद महाराजा की जिंदगी आसान नहीं रहती, लेकिन जब भी उसने अपनी बेटी का चेहरा याद किया उसे हिम्मत मिली लड़ने की ताकि उसकी बेटी को किया हुआ प्रॉमिस वो पूरा कर सके। तो चलो जानते हैं कि महाराजा की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसने हमें एक परफेक्ट सस्पेंस थ्रिलर का एक्सपीरियंस दिया, और क्या वो अपने इरादों को पूरा कर पाया या नहीं वो भी देखेंगे। एंड आई फील लकी कि मुझे इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग को एक्सप्लेन करने का मौका मिला। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी एंड प्लीज शेयर योर थॉट्स विद मी कि आपको ये मूवी कैसी लगी, एज आई वुड लव टू नो देम। और जिन्होंने नहीं देखी है तो उनके लिए स्पॉइलर अलर्ट, वीडियो में आगे स्पॉइलर्स हैं महाराजा को लेकर। फिल्म के शुरू में हमने देखा कि महाराजा अपनी छोटी बेटी के लिए टॉयज खरीद रहा था और उसकी बीवी और बेटी पास के घर में बैठे थे। अचानक एक ट्रक ने कंट्रोल खो दिया और घर में क्रैश हो गया। महाराजा की बीवी मर गई लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी बेटी ज्योति बच गई। इंटरेस्टिंगली एक डस्टबिन था उस घर में जो ज्योति पर गिर गया उस क्रैश के दौरान, और इसी वजह से उसकी जान बच गई। और हमने देखा कि तब से महाराजा ने उस लोहे के डस्टबिन की पूजा करना शुरू की जिसका नाम उसने लक्ष्मी रखा, और जो भी उन्हें लक्ष्मी की पूजा करते हुए देखता था उन्हें बहुत अजीब लगता। लेकिन महाराजा और ज्योति को कोई फर्क नहीं पड़ता था इस बात से क्योंकि लक्ष्मी ने उसकी बेटी को दूसरा जन्म दिया था। महाराजा बहुत ही सिंपल आदमी और एक बार्बर शॉप में काम करता था जो बार बार अपने मालिक के टॉन्ट्स सुनते रहता था कि वो काम नहीं करता, बोलता कम है एंड ऑल। लेकिन महाराजा ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। एक ही पल में उसकी सारी एस्पिरेशंस, डिजायर्स, ड्रीम्स खत्म हो जाएंगी। महाराजा ने अपनी बीवी के मरने के बाद कभी शादी नहीं की और उसने इंश्योर किया कि उसकी बेटी को सारा वो प्यार मिले जो किसी बच्चे को मिलना चाहिए, और वो अपनी बेटी के लिए बहुत पॉजेसिव था। और हमने ये भी देखा कि कैसे वो प्रिंसिपल पर गुस्सा हो गया जब प्रिंसिपल ने ज्योति को अल्कोहल के मिसकंडक्ट के लिए ब्लेम किया जबकि उसकी बेटी की कोई गलती नहीं थी। जहां हमें पहली बार महाराजा के कैरेक्टर के बारे में पता चला कि वो कितना जिद्दी आदमी है और जिस बात पर वो आंख रख ले वो पाए बिना वो कहीं नहीं जाने वाला। यूजुअली महाराजा बहुत ही क्वाइट आदमी था लेकिन अगर कोई उसकी बेटी को हर्ट करता तो उसका गुस्सा किसी को भी डरा सकता था। महाराजा की सारी लाइफ उसकी बेटी के अराउंड थी जो एक एक्सीलेंट स्पोर्ट्स पर्सन भी थी, और उसे एक स्पोर्टिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा और उसने अपने फादर से स्पेसिफिकली ये कहा कि लक्ष्मी का ध्यान रखना। डस्टबिन पर इतना एम्फेसिस इसलिए दिया है क्योंकि फर्स्ट एक्ट इसी डस्टबिन के अराउंड घूमता है कि वो उन दोनों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट फिगर है। लेकिन फिर जिस रात वो स्पोर्ट इवेंट से वापस घर आने वाली थी तीन लोग महाराजा के घर आए और ज्वेलरी या कैश लेने के बजाय उस चीज को ले गए जो उसके दिल के सबसे करीब थी, यानी कि लक्ष्मी। और ध्यान देना कि मूवी में महाराजा कभी भी लक्ष्मी को डस्टबिन या कचरे का डब्बा नहीं कहता है और ना ही किसी को ये कहने देता है क्योंकि मेटाफरिकली उस रात उसने डस्टबिन नहीं बल्कि अपनी बेटी को खोया था जिसे ढूंढने के लिए वो कायनात यहाँ की वहाँ कर देता है। और नेक्स्ट पार्ट आता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन का जिसे मैंने काफ़ी इन्जॉय किया पूरी मूवी में। तो अगर कोई आदमी पुलिस स्टेशन जाके उनसे एक मिसिंग डस्टबिन के लिए FIR फाइल करने को बोले तो ऑब्वियसली पुलिस को लगेगा कि उसका दिमाग खराब हो गया है। शुरू में पुलिस ने FIR फाइल नहीं की लेकिन बाद में इंस्पेक्टर S वर्धराजन और उसकी टीम ने केस को लिया क्योंकि महाराजा ने प्रॉमिस किया कि अगर उनका डस्टबिन मिल जाए तो वो उन्हें 7 लाख रुपए देगा। पुलिस को लगा कि शायद उस डस्टबिन में कुछ ऐसा रखा है जो शायद करोड़ों का होगा, इसीलिए महाराजा अपनी लाइफ की कमाई देने को तैयार है उसे वापस लाने के लिए। और बार बार महाराजा ने वही कहानी दोहराई कि तीन लोग उसके घर आए, उससे बहुत मारपीट की और उसके घर से डस्टबिन चुरा ले गए। पुलिस ये समझ नहीं पाई कि अगर एक बार के लिए वो चलो मान भी लेते हैं कि महाराजा सच बोल रहा है और उसका कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है तो फिर चोर सिर्फ डस्टबिन ही क्यों ले गए और कुछ नहीं।
और इस टाइम पर मुझे भी कुछ यही फीलिंग आई कि पक्का कुछ और हुआ होगा उस रात जो वो क्लियरली बता नहीं रहा, क्योंकि मैं बिना ट्रेलर देखे मूवी देखने बैठा था, तो जब सस्पेंस खुला मेरे तो होश उड़ गए। और फिर वरदराजन और उसकी टीम ने डिसाइड किया कि महाराजा के डस्टबिन का एक रेप्लिका बनवाकर वो पैसे ले लेंगे जो महाराजा उन्हें ऑफर कर रहा था, और अगर उसने पकड़ लिया कि वो डस्टबिन वो नहीं है तो पक्का कुछ और मामला होगा। बट इन्वेस्टिगेशन के दौरान वरदराजन ने कुछ ऐसा पाया जिसने उससे रियलाइज करवाया कि महाराजा इन तीनों लोगों को सिर्फ इसलिए नहीं ढूंढ रहा था क्योंकि उन्होंने उसका डस्टबिन चुराया है, बल्कि कुछ और भी था जो महाराजा छुपा रहा था। एक व्यूअर के रूप में हमने देखा कि कैसे महाराजा टूट गया था जब उसने बताया कि उस रात क्या हुआ था। ऐसा लगा जैसे उस रात उसका एक हिस्सा खो गया हो। इतने प्योर इमोशंस देखने को मिले हमें सेतुपति की तरफ से। और फिल्म के एंड में हमें पूरी कहानी पता चलती है और उस रात की डेविस्टेटिंग रियलिटी सामने आती है। सेल्वम, जिसे अनुराग कश्यप ने प्ले किया है, वो और उसका साथी लोगों को लूटते थे और हर तरह के घिनौने क्राइम्स उन्होंने किए। वो लोगों के घरों में घुसकर चोरी करते, औरतों को मोलेस्ट और रेप करते और जरूरत पड़ने पर लोगों को मार भी डालते। एक दिन सेल्वम महाराजा के बार्बर शॉप में आया क्योंकि उसकी बीवी ने उससे कहा था अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी के लिए रेडी होकर आना। और जब सैलून से महाराजा बियर्ड ट्रिमर की बैटरी लाने बाहर गया, तब सेल्वम को डर के मारे उसके साथी सबरी का कॉल आया क्योंकि उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि पुलिस को उन दोनों की हर रॉबरी के बारे में पता चल गया है। जैसे ही सेल्वम पलटा तो उसने देखा कि महाराजा एग्जैक्ट उसके पीछे खड़ा है और सेल्वम थोड़ा टेंस हो गया क्योंकि उसे रियलाइज हुआ कि महाराजा ने ये सब सुन लिया है। यहाँ एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग होती है। यहाँ सेल्वम की बेटी का गिफ्ट जो एक गोल्ड चेन थी, वो एक्सीडेंटली बार्बर शॉप में रह गई और महाराजा डिसाइडेड कि वो सेल्वम के घर जाकर उसे दे आएगा। लेकिन जब वो सेल्वम के घर पहुंचा तो उसी वक्त पुलिस सेल्वम और उसके साथी को अरेस्ट करने आई। अनफॉर्चुनेटली हुआ यूं कि महाराजा जस्ट पुलिस के आगे चल रहा था और सेल्वम को लगा कि उसने उसके वेयर अबाउट्स का पुलिस को बताया है। एंड एज एक्सपेक्टेड सेल्वम को जेल भेज दिया गया और सेल्वम ने जेल में एक डेकेड से भी ज्यादा वक्त बिताया। और जब वो बाहर आया उसने महाराजा से बदला लेने का डिसाइड किया। लेकिन फिल्म के एंड में एक हॉरिफिक रेवलेशन होता है जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और महाराजा के एक्सप्रेशन से साफ पता चला कि उसकी बेटी के साथ जो हुआ वो सालों साल उससे बदला लेने का प्लान था। बट महाराजा के अकॉर्डिंग उसे लगा कि वो बस अनलकी बाप है कि उस रात कुछ गुंडे उसके घर आए और इस पूरे एक्सीडेंट का वो विक्टिम बना। मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स हैं एंड वंस यू स्टार्ट वॉचिंग आपको आइडिया हो जाएगा कि राइटिंग और स्क्रीन प्ले कितना एक्सेप्शनल है इस मूवी का। जिसमें से एक ट्विस्ट ये है कि मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा कि महाराजा की वाइफ और उसकी बेटी अपने घर में बैठे हैं और तभी एक ट्रक आकर उनके घर क्रैश कर गया और दोनों मर गए। बट इन रियलिटी वो अपने घर में नहीं बल्कि सेल्वम के घर आए होते हैं वो गोल्ड चेन देने जो महाराजा उस दिन दे नहीं पाया था। और एक्चुअल में जिस बेटी को वो अपनी बेटी समझ के रेस करता है वो सेल्वम की बेटी होती है क्योंकि उस दिन जो डस्टबिन गिरा वो सेल्वम की बेटी पर गिरा था और महाराजा की वाइफ उसकी एक्चुअल बेटी और सेल्वम की वाइफ ऑन द स्पॉट ही क्रैश में मर गए। तो बेसिकली जो रिवेंज वो महाराजा से लेना चाहता था उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए, ताकि वो भी अपनी बेटी से दूर रहे जैसे वो रहा था इतने सालों अपनी बेटी के बिना। वो एक्चुअली सेल्वम ने अपनी बेटी को फिजिकली और सेक्सुअली असॉल्ट किया था महाराजा के घर घुसकर दो और लोगों के साथ। और जो सबसे बढ़िया बात मूवी की जो मुझे लगी वो ये थी कि आफ्टर दिस असॉल्ट ज्योति महाराजा को कहती है कि वो उस आदमी से मिलना चाहती है जिसने उसके साथ ये सब किया, और महाराजा ने इसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए सबको ऐसे घुमाया कि भाई हमें तो मजा आ गया। और ज्योति एंड में सेल्वम को पूछने आती है कि उसने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसको इसकी इतनी बड़ी सजा मिली। तब ज्योति को नहीं पता था कि वही उसका बायोलॉजिकल फादर है और ना ही मेकर्स ने बताने की कोशिश की है कि ज्योति को अपने ट्रू फादर के बारे में पता चले, विच आई रिस्पेक्ट देयर डिसीजन, और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि ज्योति के लिए तो उसका असली फादर तो महाराजा ही है जिसने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। और सेल्वम को भी तब तक नहीं पता चला कि ज्योति ही उसकी रियल बेटी है जब तक ज्योति ने वो गोल्ड चेन उसके मुंह पर नहीं फेंकी कि इसीलिए वो उस रात उनके घर पर आया था। और एंड में महाराजा सेल्वम को तो मारना चाहता था बट उसने उसको नहीं मारा, बल्कि सेल्वम ने अपनी जान खुद ले ली क्योंकि अपनी ही बेटी को ऐसी कठिन परीक्षा से गुजरते देखना उसके गिल्ट के लिए बहुत ज्यादा था कि ये उसने क्या कर दिया। जो वो बाकी घरों में जाकर उनकी माँ बेटी से ऐसा करता था, आज उसे फील हुआ कि अगर अपनी बेटी के साथ ऐसा हो तो कैसी गुजरती है खुद पर।
और अगर आप ही खुद ऐसा करने वाले हो तो सोचे उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने बड़े हो सकते हैं। वो तो डेफिनेटली ही खुद की जान ले लेगा, और अगर नहीं मारता है खुद को तो वो किसी साइकोपैथ से कम भी नहीं है। मतलब वैसे जब तक उसे ये नहीं पता था कि ज्योति उसकी बेटी थी, वो सेटिस्फाइड था कि उसने महाराजा को वही दर्द दिया है जो सालों पहले महसूस किया था। और जब सेल्वम बिल्डिंग से कूदा तो उसके शरीर से निकला हुआ खून सीमेंट पर ज्योति के फुटप्रिंट से भर गए, विच रिप्रेजेंट्स कि ही सैक्रिफाइस हिमसेल्फ फॉर व्हाट ही डिड टू हिज ओन डॉटर। महाराजा अपनी बेटी के साथ वापस चला गया और मुझे नहीं लगता है कि वो कभी भी उसे बताएगा कि वो उसका असली पिता नहीं है। Honestly, I loved this movie. हर कैरेक्टर को पहले किसी सिंपल वे में इंट्रोड्यूस किया है और बाद में प्लॉट के हिसाब से उसका रेलेवेंस दिखाया है, जो बढ़िया लगा मूवी में देखने को, और इसी ने आई थिंक मूवी को ग्रिपिंग भी बनाया है। आइडिया बस यही था, चोर को गंदी आदतें थी और एक दिन बदला लेने के लिए वो घर में घुसा और आयरॉनिकली जो वो दर्द जिस इंसान को देना चाहता था वो उल्टा उसे ही वापस मिल गया। सुनने में कितना आसान लगता है, बट डूड इसकी राइटिंग और डायरेक्शन इतनी परफेक्ट है कि इट एक्चुअली ब्लोज योर माइंड। विजय सेतुपति के कैरेक्टर की डेवलपमेंट शानदार है, उसे पहले एकदम शांत देखा, फिर बाद में ये बताया है कि वो कितना जिद्दी है, और फिर सही के साथ खड़े रहने वाला आदमी बताया है, लेकिन जब वो किसी के साथ गलत होते हुए देखता है तो उससे बुरा इंसान भी कोई नहीं है। और सेतुपति की परफॉर्मेंस तो यार फिनोमिनल है, हिज एक्सप्रेशन सेज इट ऑल। स्पेशली यार लास्ट में जब वो दोनों आमने सामने आते हैं उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, क्या शानदार एक्टर है इस जनरेशन के लिए। मैंने जितना भी काम सेतुपति का देखा है, दिल करता है कि ऐसा काम और देखने को मिले। और अनुराग कश्यप भी भाई अलग ही लेवल पर है आजकल। आई हर्ड समवेयर कि वो सेतुपति के साथ काम करना चाहते थे, एंड नाउ ही हैज डन इट। आई थिंक इट्स हिज बेस्ट डिसीजन एवर। अनुराग कश्यप भी बराबरी का हिस्सेदार है इस मूवी में। बस थोड़ा मुझे एक चीज फील होती है कि काश मैं इस मूवी को ओरिजिनल लैंग्वेज में देख पाता। मैंने हिंदी डब में देखी, लेकिन अगर ओरिजिनल लैंग्वेज में समझ आती तो मैं जरूर उसमें देखता। जो असली इमोशन या जो असली मजा ओरिजिनल लैंग्वेज में देखने का है, वो बात डब्ड में नहीं है। बेशक सेतुपति ने ज्यादा कुछ नहीं बोला है मूवी में, बट इनके हाव भाव इतने अच्छे हैं कि बोले बिना ही सब कुछ कन्वे हो जाता है। मुझे वो सीन काफी पसंद आया जब महाराजा आखिरी बार अपनी कहानी सुनाता है और व्यूअर्स के लिए उस कहानी में रिवील हुआ कि उस रात एक्चुअल में क्या हुआ था। इससे पहले तो डस्टबिन की ही कहानी सुनाई गई थी, बट इस सीन में जो इमोशंस थे दे वर ऑल ओवर मी। मेरे लिए शायद इस मूवी का बेस्ट मोमेंट वही था। आप एक्चुअल में उसकी अंडरस्टैंडिंग फील कर सकते हो जब वो कहानी सुनाता है कि एक्चुअल में चीजें उसके लिए उस रात कितनी बुरी थी। बाकी महाराजा ने बदला पूरा लिया है और मारकाट भी भाई एक नंबर है मूवी में। अगर आपको आर रेटेड मूवी पसंद है तो इट्स अ मस्ट वॉच। ये एक परफेक्ट रिवेंज स्टोरी है और महाराजा आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। मैं हर किसी को रिकमेंड करूंगा ये मूवी देखने को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड प्लीज शेयर इट एज मच एज यू कैन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टिल देन टेक केयर, हैव फन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।